पर हमारे पास भारत फाइनेंशियल के मामले में आरबीआई से इंडसइंड बैंक को राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक कुछ जानकारी हमको मिली है, ये जानकारी क्या है, कैसे राहत मिलेगी, बताने के लिए अंकुर हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे सहयोगी हैं। अंकुर बताएं आप। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत फाइनेंशियल मैटर में अपनी जांच को पूरा कर लिया है और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रेगुलेटर को एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स के कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन रेगुलेटर यहाँ पर एक पीनल एक्शन जरूर ले सकता है बैंक पर, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी और प्रोसेस में कुछ लैप्सेस पाए गए हैं भारत फाइनेंशियल में। भारत फाइनेंशियल इंडसइंड बैंक की 100% सब्सिडरी है और ये जो पीनल एक्शन है वो प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जरूर लिया जा सकता है। जो आरबीआई का डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन है, उन्होंने डिटेल्स इंक्वायर किए थे बैंक से जब से एक कंप्लेंट दायर की गई थी विसल ब्लोअर द्वारा कि 84,000 करोड़ लोन्स को डिसबर्स कर दिया गया है भारत फाइनेंशियल में बिना कस्टमर के कंसेंट से। इस पर बैंक ने एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी करवाई थी और जो डेलॉयट की रिपोर्ट सामने आई उसमें यही पाया गया कि एक टेक्निकल ग्लिच है और जो बैंक ने भी एडमिट किया है। साथ ही साथ बैंक ने यह भी बोला है कि वो रिपोर्ट के मुताबिक 13.5 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रोविजन भी करेगा करंट क्वार्टर यानी कि Q4 FY22 में, ताकि वो अपने जो प्रोसेस हैं उसको सुदृढ़ करे और साथ ही साथ प्रिपेयर रहे किसी कंटिजेंसी के लिए। राइट, थैंक्स वेरी मच फॉर दैट। तो ये इंडसइंड के बारे में बता रहे थे अंकुर की जो जांच चल रही है, आरबीआई की जांच में लोन की गड़बड़ी नहीं मिली है, तो एक तरह से रिलीफ हो सकता है। छोटा मोटा मामूली पीनल एक्शन टेक्नोलॉजी के मैटर को लेके शायद आ सकता है।